आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इसे डॉक्टर लहसुन क्यों कहा जाता है, क्या वाकई में इसके अंदर इतनी खूबियां होती हैं कि इसको डॉक्टर कह सकते हैं? देखिए, वाकई में बहुत गुणकारी है लहसुन और आमतौर पर रसोई में प्रयोग होता है, कुकिंग में इसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। एक विशेष गंध इसके अंदर होती है और कुछ लोगों को ये गंध बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बहुत अच्छी नहीं लगती है। ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को इसकी स्मेल से बड़ा अट्रैक्शन होता है, खाने में वो डले तो उसका स्वाद भी आता है। लेकिन जहाँ तक गुणों की बात करें, हम औषधीय गुणों की बात करें, तो बहुत सारे औषधीय गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले लहसुन को एंटीबायोटिक कहा गया है। इसके अंदर एलिसिन नामक एक तत्व होता है जो कि एंटीबायोटिक है। एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल भी इसमें गुण पाए जाते हैं और दीपन पाचन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे भोजन को पचाने के लिए। कई बार आप गरिष्ठ भोजन अगर करते हैं तो अक्सर देखा होगा अपन, उसमें लहसुन अदरक थोड़ा डाल दिया जाता है, हींग भी डाल दिया जाता है, जिससे कि वो आसानी से पच जाए, वायु ना बनाए, वो पेट में उसको भारी भारीपन उससे पैदा ना हो। इसके अतिरिक्त शोथहर इसको माना गया, सूजन को कम करता है। यानी कि कहीं पर भी आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो, अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। कई इसमें ऐसे तत्व हैं जो फ्री रेडिकल्स को सफाई करते हैं बॉडी के अंदर से। और इसके साथ साथ लहसुन में खून को पतला करने का गुण भी पाया जाता है कि खून को, जैसे कि गाढ़ा खून जिसमें हो, और आमतौर पर जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है या हाई ब्लड प्रेशर जिनको होता है, उनके लिए बहुत अच्छा गुणकारी सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त अस्थमा में भी इसका प्रयोग होता है और इन्फेक्शंस बॉडी में कहीं आपको हो रहे हों उसके लिए भी प्रयोग होता है। कई बार बाहरी लेप के लिए भी, कहीं पर सूजन दर्द के लिए, दर्द नाशक भी है, वेदना शामक भी है। तो बहुत सारे गुण इसमें मैंने आपको बताए, इसीलिए इसको डॉक्टर लहसुन भी आमतौर पर कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफी सारे गुण ऐसे हैं जो हमारे रोगों को दूर करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जालंधर से हैं अनिल जी। अनिल, आप अपना सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर, मेरे कानों से, दोनों कानों से कुछ विशेष प्रकार की आवाजें से आती रहती हैं, जैसे कोई झिंगुर बोल रहा है, कोई कुछ चीजें ऐसी सीटी की सी आवाज आती है। काफी डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां दे देते हैं, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। आयुर्वेद में इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये आवाजें आना बंद हो जाए? मेरे को बहुत ज्यादा हेडेक भी रहने लगा है अब, और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है मेरे लिए। देखिए, डेफिनेटली चिंता का विषय तो हो ही जाता है कि कान में हमेशा कुछ न कुछ आवाजें आती रहे, सीटियां सी बजती रहे। टिनाइटस या टिनिटस इसको जो है अक्सर बोलते हैं डॉक्टर लोग। हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर इसको समझने की कोशिश करें, आप भी थोड़ा सा इस पर जो है ध्यान दीजिए कि वात का प्रकोप, वायु की वजह से कान के अंदर जो लुब्रिकेशन है वो एक तरह से सूख जाता है, रूक्षता वहां पैदा हो जाती है। आम भाषा में कई बार आपको डॉक्टर ने भी बताया होगा कि नस सूख गई है और नस जो आगे मैसेज ले जाती है वो भी सूख गई है, ड्राइनेस उसमें होने की वजह से। तो वहां पर आपको ये साउंड सुनाई देते हैं। तेल डालना एक सिंपल सा एक इलाज इसका, जो कि काफी अच्छा है और काफी फायदेमंद भी है। कान में तेल डालना, यानी कि आज लहसुन की हम बात कर रहे हैं, क्यों ना आप लहसुन को पका लें सरसों के तेल में और एक तेल बना करके रख लीजिए। कम से कम 100 मिलीलीटर तेल में 10 ग्राम लहसुन छोटा छोटा सा काट करके पका लीजिए और उसको छान करके उस तेल को आप कान में निरंतर रोज डालिए। और इसके अलावा खाने के लिए जो है आयुर्वेदिक दवाइयां इसमें कुछ लीजिए अच्छी, जो कि आपकी नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, आपके जो नसों को मजबूत करें। साथ में अगर आपका मौका लगता है, पंचकर्म चिकित्सा भी इसमें आप करा सकते हैं, जिसमें कि करण पूरण या शिरोधारा या कई मस्तिष्क को नरिश करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। और सबसे अहम चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि मानसिक तनाव से बचना चाहिए। आजकल मेंटल स्ट्रेस बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, लेकिन जितना आप अपने आप माइंड को रिलैक्स रखेंगे, जितना अपने मन को जो है शांत रखेंगे, उतना आपका जो नर्वस सिस्टम स्वस्थ रहेगा और पौष्टिक भी होता है। और एक बार फिर से हम अपने संजीवनी के दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं लहसुन की खूबियों की। तो डॉक्टर साहब, लहसुन का जो इस्तेमाल है या उसका सेवन है, क्या हर उम्र का इंसान कर सकता है या किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है कि इसकी तासीर गर्म होती है? तासीर डेफिनेटली गर्म होती है, और खास तौर पर वो लोग जिनको अल्सर है या बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, पेट में जलन बहुत होती है, कई लोगों को तो हो जाती है, लहसुन जब भी वो खाते हैं उनको एसिडिटी हो जाती है, उनको इसका सेवन ध्यान से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से छोटे बच्चे जो है, कम से कम जो अभी 4-5 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं, वो भी थोड़ा सा उनके लिए तीखा रहेगा ये,
क्योंकि बच्चों को मिर्च भी हम नहीं देते हैं, खास तौर पर बिना मिर्च का भोजन उनके लिए बनाया जाता है, तो इसी प्रकार से लहसुन भी उनको कम दिया जाए। एक्सटर्नल प्रयोग जरूर कर सकते हैं, तेल में उसको पका करके मालिश वगैरह का काम अगर करना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना चाहिए। और खासतौर पर वो लोग जिनको जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनकी बॉडी में नेचुरली जो है जन्म से ही पित्त की अधिकता है, वो भी थोड़ा सा ध्यान से इसको सेवन करें, नहीं तो इसके जो है दुष्प्रभाव भी कई बार हो जाते हैं। दुष्प्रभाव मीन्स आपको वो हीट पैदा करेगा, गर्मी ज्यादा पैदा करेगा, और उसकी वजह से मेनली जलन या फिर जो है एसिडिटी, इस तरह के लक्षण आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, जंतर सिंह जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार, मैं जंतर सिंह बात कर रहा हूँ सर दिल्ली से। जी बोलो सर। मुझे समस्या है कि एक्चुअली मेरी एज 30 साल है, और सर मुझे ये समस्या है कि मेरी सिटिंग जॉब है, और मुझे दिक्कत ये रहती है मैं कुछ भी खा भी लेता हूँ ना, तो मतलब मेरे पेट में ना एक अजीब सी गर्मी सी बनी रहती है। मैं पानी भी दिन भर में खूब पीता हूँ, पर मैं हर टाइम मतलब जैसे बैठा भी रहता हूँ, वॉक वगैरह कर लेता हूँ थोड़ा बहुत ऑफिस में, पर फिर भी मेरे मतलब पेट के अंदर गर्मी सी बनी रहती है, मतलब अजीब सी, मतलब ऊपर की तरफ चेस्ट होती नहीं, तरफ जलन सी होती है सर काफी ज्यादा। देखिए, पेट में जलन होना एक लक्षण है कि कहीं ना कहीं एसिडिक जो है फूड आप खा रहे हैं ज्यादा। बैठने का काम है उससे भी इसका संकेत मिलता है, क्योंकि जब आप बैठे रहते हैं दिन भर तो भी कई बार हमारे जो है पाचक रस पूरे नहीं निकल पाते हैं और पाचन कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है बदहजमी होकर के फिर दोबारा से उसमें एसिडिटी आपको हो सकती है। डकारें उसमें अक्सर आती हैं, कई बार खाना पचता नहीं है तो उसकी डकार आपको बिना पचे हुए भोजन की डकारें ऊपर को आती रहती हैं, कुछ लोगों को खाना ही ऊपर आता रहता है। तो ये बेसिक कॉज इसमें आपका है इनडाइजेशन, बदहजमी जिसको कहते हैं, और उसका कारण भोजन भी हो सकता है। कई बार आप जैसे जब सिटिंग जॉब में होते हैं तो दिन भर बैठे बैठे कम से कम 3-4 बार तो चाय पी जाते हैं, तो चाय पीने से भी एसिडिटी बढ़ती है। आजकल जो है बहुत प्रचलन है गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इस चीज का, स्मोकिंग का बहुत ज्यादा प्रचलन है, खासतौर पर ऑफिस में जो लोग जाते हैं इसका बहुत प्रचलन है, उसकी वजह से। या आप अल्कोहल का सेवन अगर आप करते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना आप खाते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आप केवल अभी फिलहाल जो है आंवला और हरड़ दो चीजें मिला लीजिए बराबर मात्रा में, आंवला और हरड़ दोनों को मिला करके चूर्ण बना लीजिए, और इस चूर्ण में से, इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच भोजन के पश्चात दिन में 2 बार आप सेवन करेंगे तो आपको पाचन भी अच्छा होगा, जलन भी नहीं होगी, और आपका जो पेट भी साफ रहेगा। लेकिन थोड़ी सी जो है कसरत जरूर करिए, एक्सरसाइज जरूर करिए, थोड़ा बहुत सुबह आधा पौना घंटा आपको व्यायाम करना चाहिए। तो चलिए, अब हम बात कर रहे थे लहसुन की, तो डॉक्टर साहब अगर हम लहसुन को पकाते हैं तो क्या उसका जो औषधीय गुण है वो नष्ट हो जाता है, और जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम? देखिए, डेफिनेटली जब भी कोई चीज जिसमें औषधीय गुण होता है तो उसको ज्यादा पकाना नहीं चाहिए। ऐसा हम करते हैं अक्सर, जब लहसुन डालते हैं तो उसको पेस्ट बना करके, ग्रेवी बना करके बहुत ज्यादा उसको जो पका देते हैं, तो कुछ चीजें नष्ट डेफिनेटली होती हैं, केवल उसमें स्मेल रह जाती है, टेस्ट रह जाता है। तो टेस्ट के लिए अगर हमें नहीं खाना है तो, और औषधि के लिए खाना है तो उसको थोड़ा सा अगर चाहिए तो हल्का सा फ्राई करके आप सेवन कर सकते हैं, या फिर जो है ज्यादा उसको पकाएं ना, थोड़ा स्टीम करके उसको सेवन कर सकते हैं, या कच्चे फॉर्म में जैसे मैंने बताया उसको सेवन कर सकते हैं। और जो लोग लहसुन सेवन नहीं करते हैं, कई इसके रीजन होते हैं, कुछ लोगों को एलर्जी होती है लहसुन से, कुछ लोगों को स्मेल पसंद नहीं होती है, और आध्यात्मिक रीजन से भी जो लोग धार्मिक होते हैं, ऐसा भी वर्णन है कि लहसुन प्याज का सेवन वहाँ जो धार्मिक लोगों के लिए वर्जित है, उसके कुछ अलग भी रीजन है, उन लोगों को अगर लहसुन का कोई ऑल्टरनेट चाहिए अपने भोजन में तो हींग का सेवन करें। हींग जो है वो भी पाचक है और अच्छा है, उसमें गुण है, और स्मेल भी कुछ कुछ बड़ी तीखी उसकी होती है, लहसुन जैसी मिलती जुलती आप स्मेल उसकी कह सकते हैं, तो उसको सेवन कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमने डॉक्टर साहब से जाना कि आखिर लहसुन में जो खूबियां हैं वो क्या क्या हैं, लेकिन अब जानते हैं कि किन किन बीमारियों से इससे बचा जा सकता है। देखिए, जैसा मैंने कहा, कोलेस्ट्रॉल का रोग अगर आपको है, कोलेस्ट्रॉल में लहसुन का बहुत अच्छा रोल है। हृदय का रोग हो आपको, हार्ट डिजीज वालों को भी लहसुन बताया जाता है। जोड़ों के दर्द में इसका प्रयोग किया जाता है। ओबेसिटी, जिन लोगों को मोटापा है उनको भी बताया जाता है, पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आपको डिसेंट्री है, डायरिया है, या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसमें भी लहसुन का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ तक के बहुत ज्यादा जिस लोगों को पूरे शरीर में अकड़ाहट होती है, या कई बार आपको कहीं पेट में इन्फेक्शन हो गया है, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में सांस फूलने की तकलीफ जिसको, अस्थमा की प्रॉब्लम, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और
कान के रोगों में दिया जाता है, बहुत वेदना शामक के लिए। कान में दर्द होता है, कान में आपको कोई हल्का फुल्का जो है ड्राइनेस हो जाती है, तो उसमें लहसुन वाला तेल बना के दिया जाता है। इसी प्रकार से जोड़ों के दर्द में भी इसका तेल बना करके दिया जाता है। तो काफी सारे रोगों में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया इसके औषधीय गुण जब मैंने बताए, तो काफी सारे रोगों में लहसुन का प्रयोग होता है। जितेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ फरीदाबाद से। जी जितेंद्र, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ सर, मेरा कोलेस्ट्रॉल बड़ा रह रहा है, मेरी उम्र 28 साल है जी। और तो हमें क्या घरेलू नुस्खे सेवन करना चाहिए? देखिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन सबसे पहले, तो आज लहसुन का विषय चल रहा है, तो लहसुन से हम काफी बीमारियों का इलाज भी बता रहे हैं, इसीलिए इसको डॉक्टर लहसुन शुरू में हमने कहा कि क्यों इसको कहा जाता है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल का सेवन आपको सुबह खाली पेट करना चाहिए, लहसुन का प्रयोग सुबह खाली पेट आपको करना चाहिए, क्योंकि सुबह खाली पेट जब सेवन करेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होता है। उसको चाहे तो आप ऐसे ही थोड़ा सा चबा के खा लें, या हल्का छोटा छोटा सा काट करके, बारीक काट के पानी के साथ उसको निगल जाएं, तो वो आपको काफी फायदा करेगा। इसके अतिरिक्त खान पान का ध्यान जरूर रखना है आपको। बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें या चिकनाई वाली चीजें, बहुत ज्यादा फैट वाली चीजों का सेवन, इंक्लूडिंग नॉन वेज, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मिठाई से, दूध की बनी चीजों से, या बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें नहीं खानी चाहिए। सिंपल खाना खाएं, लाइट, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, और थोड़ा सा एक्सरसाइज भी आप जरूर करें साथ में। इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जाता है। अदरवाइज तो आप डॉक्टर के पास एक बार चले जाते हैं तो एक गोली आपकी शुरू हो जाती है, और गोली फिर वो चलती रहती है, पूरा जिंदगी जो है वो गोली खाते रहिए। हम आयुर्वेद में आपको ऐसी चीजें बताते हैं कि ताकि आपका रोग जो है वो आगे ना बढ़े, और आपका रोग जो है वहीं पर कंट्रोल होकर के ठीक हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं क्या है आज की संजीवनी। देखिए, लहसुन का प्रयोग तो मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे रोगों में हम कर सकते हैं। जिन लोगों को दमा है, अस्थमा जिनको होता है, लहसुन ले लें, 2-3 कली उसकी, छोटा छोटा सा उसको काट लीजिए, 1 कप दूध में उबाल लीजिए अच्छी प्रकार से, और इस दूध को आप पिए, लहसुन वाला दूध, तो ये काफी अच्छा फायदा करता है। क्योंकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपके जो है फेफड़ों में है, या किसी प्रकार का वहाँ इन्फ्लेमेशन है, जैसे मैंने कहा कि दोनों ही रोगों में, इन्फ्लेमेशन में भी और इन्फेक्शन में भी, लहसुन का अच्छा काम है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, तो लहसुन का 1 चम्मच रस निकाल करके आप पिए, या 1 चम्मच रस में थोड़ा शहद मिला करके भी आप पी सकते हैं, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपको पाचन संबंधित कोई रोग है, इनडाइजेशन है, बदहजमी है, गैस ज्यादा बनती है, भारीपन रहता है, उसके लिए लहसुन साथ में थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया, हल्का सा जो है 1-2 काली मिर्च उसमें डाल करके, और उसको पीस करके हल्का नमक डाल के एक चटनी बना लीजिए। लहसुन की चटनी जो होती है वो बहुत फायदा करती है पाचन के लिए। इसके अतिरिक्त अगर दांतों में दर्द हो कहीं पर, तो लहसुन का तेल मिलता है, गार्लिक ऑयल, उसको लगा सकते हैं। लहसुन का पेस्ट बना करके आप उसको पीस करके वहाँ थोड़ा सा आप लेप कर लीजिए, तो उससे रिलीफ मिलता है। और साथ में कई लोगों को मस्से बन जाते हैं, वॉर्ट्स होते हैं, उसमें एक लहसुन की कली लें, थोड़ा सा नुकीला कर लें उसको, और उसको रगड़े उसकी जड़ में, रोज रात को सोते समय रोज उसको रगड़िए, धीरे 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 उसमें, क्योंकि तीखापन उसके अंदर होता है, तो वो उसकी जड़ को धीरे धीरे काटना शुरू करता है, और उसके मस्से, कई लोगों के मैंने देखा है, उन्होंने हमें आके बताया भी कि ऐसा करने से वो उसके मस्से गायब हो जाते हैं।